हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन चैप्टर लेके चल रहे थे एसिड बेस एंड सोल्ट का। तो एसिड के बारे में जान लिया था, बेस के बारे में भी लगभग जान लिया था कि उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जान ली थी, यूजेज जान लिए थे, एग्जाम्पल जान लिए थे, ये सब चीज़ें कर ली थी। इंडिकेटर के बारे में पढ़ रही थी लास्ट पॉइंट, तो इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे, तो इंडिकेटर का भी अपन ने डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया था कि वो किस कलर से किस कलर में चेंज होते हैं, ये भी कर लिया था। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए पीएच, आगे का टॉपिक पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, तो पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाना वर्स 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपीएल सोर्शन द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु कणीय पैमाना लॉगरिथम स्केल है जो किसी जलीय विलयन एक्वो सॉल्यूशन में एचप्लस आयोन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। इस प्रकार यह पैमाना जल यानी कि वाटर में विलेय पदार्थों की यानी कि सोल्यूबल सबस्टेंस की अम्लीयता, एसिडिटी अथवा क्षारीयता, एल्केलिनिटी का मापन करता है। यानी कि जो कोई भी ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के रूप में तो ये क्या करता है, काम करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ करते हैं कि जो पीएच है इसका जो नाम है वो क्या बोला जाता है, पीएच है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो इसका नाम होता है, क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखें तो इसमें जो सेवन होता है, जो फर्स्ट के सेवन पॉइंट्स होते हैं वो एसिड में आते हैं। अगर इसको एक स्केल के द्वारा देखें, आगे के जो पॉइंट्स होते हैं वो बेसिक में आते हैं। जो सेवन होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन के अंग में आता है। तो अपन स्केल से इसको समझेंगे, स्केल बना के फिर इसमें जो पॉइंट्स है वो दर्शाएंगे, उसे हमें अच्छे से समझ में आएगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल में कलर्स भी दिए हुए होते हैं, लेकिन वो कलर्स हम आगे देखेंगे कि पीएच स्केल में कौन कौन से कलर्स, किस नंबर पे कौन सा कलर आता है। पहले अपन पीएच स्केल के बारे में जानते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति, उदासीन, इंडिफरेंट नेचर ले लेते हैं, न्यूट्रल नेचर या इंडिफरेंट नेचर।
ये देखिए ये पॉइंट्स आ गए 13 तक पॉइंट्स लिए। इसमें जो 1 से 6 तक है ये एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति में आते हैं, और जो 8 से 13 है फिर ये बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति में आते हैं। जो मिड पॉइंट है 7 का ये इनडिफरेंट नेचर यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माना जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनडिफरेंट जो उदासीन प्रकृति है या जो मध्य बिंदु है पीएच स्केल का वो क्या होता है, कौन सा होता है, 7 होता है। ये पीएच स्केल क्या होती है, रंगीन होती है। अब इसके कलर्स के बारे में जानेंगे कि कौन से पॉइंट पे कौन सा कलर होता है। चलो देखते हैं, एक से दो में लाल, चार में नारंगी, और 13-14 में कौन सा होता है, बैंगनी। एंड आगे 7 में हरा, और 8 में नीला। ये अपन इसके कलर देखें। पीएच स्केल में जो 1 से 2 के बीच होता है उसका कलर रेड होता है, जो 4 होता है उसमें ऑरेंज होता है, 13-14 के अंदर वॉयलेट होता है, 7 में ग्रीन होता है, और 8 में कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है। पीएच स्केल होती है वो रंगीन होती है, इसके अंदर जो कलर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन से पॉइंट पे कौन सा कलर होता है। आगे इसी में देखिए तो पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिक ऑफ पीएच वैल्यू। नेचर ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिक पे, पीएच वैल्यू के बेसिक पे। पीएच के आधार पर विलयन की प्रकृति, ये देखिए। आगे देखिए तो इसमें जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पीएच वैल्यू ले लेते हैं एक साइड में, एक साइड में नेचर ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं। फर्स्ट पीएच वैल्यू लेते हैं 10.5 या अधिक, स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होता है, क्षार होता है, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड ले लेते हैं अपन
सेवन से 10.5 के मध्य। यानी कि वीक बेस। आगे थर्ड ले लेते हैं, सेवन नंबर। सेवन आपको बताया था, क्या बताया था? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। आगे लेते हैं 3.5 से 7 के मध्य, ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। 5 लेंगे 0.35, ये हो जाएगा प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ये देखिए, ये पीएच वैल्यू हो गई इनकी, और क्या हो गया? नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब जो पीएच वैल्यू है ये 10.5 या उससे अधिक होगी तो जो नेचर होगा, विलयन की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बेस में आएगी, यानी प्रबल क्षार में आएगी। यानी 7 से 10.5 के मध्य होगी, अगर इसके बीच होगी तो वो दुर्बल क्षार होगा, यानी कि वीक बेस होगा। 7 होगा, 7 यानी कि जो बीच का पॉइंट है, तो वो क्या होगा? उदासीन विलयन होगा, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। 3.5 से 7 के मध्य आएगी तो ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड हो जाएगा। 0.35 तक आएगी तो क्या होगा? प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाना। आगे अपन पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू होती है, उनकी सब कुछ कॉमन सबस्टेंस होते हैं पीएच वैल्यू में, उनके बारे में देखते हैं। कुछ समान पदार्थ होते हैं। pH value in some common substance। अब देखिए pH value in some common substance में करते हैं तो एक साइड में तो substance लिख देते हैं, यानी कि पदार्थ लिख लेते हैं। और एक साइड में क्या लिख लेंगे? pH value इनकी, pH का मान। अब देखिए, जैसे कि इन पीएच का मान लेंगे तो जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, समुद्री जल है, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी सांद्र अम्ल है, इन सब का अगर अपन अंडा है, इन सब का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इन सब का पीएच वैल्यू का मान रखेंगे कि जानेंगे कि कौन सी वैल्यू का कौन सा मान होता है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट लेते हैं कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके पीएच वैल्यू का मान क्या होगा? 0। सेकंड लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके पीएच की वैल्यू का मान क्या होगा? 1। थर्ड लेते हैं बैटरी, यानी कि जो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, यानी जो अम्ल का यूज होता है, एसिड का यूज होता है बैटरी में, 0 से
वन के बीच। फोर्थ है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जठर रस, इसके पीएच का मान है 1.2 से 2। फिफ्थ लेते हैं नींबू का रस और विनेगर यानी कि सिरका। ये देखिए कि अपन ने इतने लिखे, आगे और भी है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके पीएच की जो वैल्यू होती है, जो पीएच स्केल होती है उसके अंदर इसकी वैल्यू होती है 0। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1। बैटरी में जो प्रयुक्त एसिड होता है, बैटरी में जो यूज एसिड होता है, यूज में आने वाला एसिड होता है, उसकी होती है 0 से 1। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में 1.2 से 2। विनेगर यानी कि जो सिरका होता है या जो नींबू का रस, लेमन जूस होता है, उसके 2.2 से 3.4। ये इनकी पीएच वैल्यू होती है। आगे कुछ और जानते हैं इन्हीं के बारे में। फाइव कर ली। अभी आगे देखिए, जो वाइन होती है, सोडा होता है, इन सब में, इनकी सबकी पीएच वैल्यू होती है 3.2 से 3.9। ये 6 हो गया। आगे समुद्री जल, सी वॉटर। इसकी होती है 7.5 से 8.4 के बीच। आगे प्रतिअम्ल, इसकी होती है 9.2। अमोनिया, समुद्री जल की मैंने क्या बताई, 7.5 से 8.4, और फिर प्रतिअम्ल की बताई मैंने 9.2। सॉरी, प्रतिअम्ल की होती है 10 से 11। अमोनिया की होती है 11.6। बेकिंग सोडा, इसकी होती है 9.2। आगे इसी तरीके से और करेंगे अपन। वाइन सोडा की क्या लिखाई, 3.2 से 3.9। समुद्री जल सी वॉटर की 7.5 से 8.4। प्रति अमल की 10 से 11। अमोनिया की 11.6। बेकिंग सोडा की 9.2। चलो आगे करते हैं और। 11 हो गई। 12
ट्वेल्व है, ट्वेल्व अपन लेते हैं साबुन युक्त जल। सॉप लेस वॉटर, साबुन युक्त जल, इसके पीएच का मान क्या होगा? इसके पीएच का मान होता है 12.5। आगे चलते हैं, आगे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि तनु इसकी होती है 13.0। आगे सांद्र यानी कि कंसंट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी पीएच वैल्यू है 14.0। आगे लेते हैं लार्ज, जो भोजन से पहले यानी सांद्र, और लार भोजन के बाद, भोजन के बाद इनकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी? ये देखिए, ये इनकी पीएच वैल्यू हो गई, यानी साबुन युक्त जल इसकी पीएच वैल्यू 12.5 और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 13.0। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सांद्र ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14.0, जो लार भोजन से पहले होती है वो 7.4 और जो लार भोजन के बाद होती है उसकी पीएच स्केल में उसकी वैल्यू 6 है। आगे और देखते हैं कुछ पीएच वैल्यू, दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 8। फिर अंडा यानी एग, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। फिर अमाशय रस यानी स्टोमक, जूस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5। ये अपन ने पीएच वैल्यू की, दंत मंजन की 8, अंडा एग की 7.7, अमाशय रस की 1.5, स्टोमक जूस की। अब ये पीएच वैल्यू जैसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अंडे की पीएच वैल्यू क्या है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच स्केल में उसकी मान, उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखती तो आपको आसानी होगी पढ़ने में एक बार कि किसकी पीएच वैल्यू क्या है, दिमाग में एक बार रह जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये सारी पीएच वैल्यू लिखाई है। सो अभी तक एसिड अपन ने कंप्लीट कर लिया, बेस कंप्लीट कर लिया, एसिड बेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे? आगे सॉल्ट बचा, आप ये इंडक्टर कर लिया, ये वाला कर लिया, पीएच की वैल्यू कर ली, अब क्या करेंगे? सोल्ट करेंगे, सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सोल्ट की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके टाइप्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सोल्ट के बारे में।
सॉल्ट, लवण। लवण किसको कहते हैं? जो एसिड एंड बेस, जो एसिड एंड बेस जो रिएक्शन करके कंपाउंड का निर्माण करती है, उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ये रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रल रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शंस आर न्यूट्रल रिएक्शंस, जिसमें प्लस एंड माइनस साथ में उपलब्ध हो। जहां पे प्लस और माइनस साथ में उपलब्ध होंगे वहां पे क्या होगी? न्यूट्रल रिएक्शन होगी। जहां पे प्लस और माइनस एक साथ उपलब्ध हो वहां पे वो रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रल रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे देखें तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़े। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जो सॉल्ट होता है इसी को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कि जो एसिड और बेस सब वो रिएक्ट करके अगर फॉर्म में आते हैं, किसकी फॉर्म में आते हैं? जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में आते हैं? सोल्ट की फॉर्म में आते हैं, उसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, लिखते हैं डेफिनेशन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, they form salt and water, पानी और salt दोनों का, दोनों के form में करते हैं। This reaction, इसी reaction को क्या बोला जाता है? Neutralization reaction बोला जाता है। This reaction is called neutralization reaction. By neutralization reaction, salt is formed. यानी कि neutralization reaction से क्या बनता है? Salt बनता है। किससे? Neutralization reaction से। जैसे एक reaction करके बताती हूँ मैं आपको। By neutralization reaction, salt is formed. जैसे reaction से समझते हैं। एग्जाम्पल, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करवाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या हो जाएगा? सोल्ट का निर्माण हो जाएगा, प्लस साथ में किसका हो जाएगा? वॉटर का। ये क्या हो गई? ये प्रबल है NaOH, यानी कि स्ट्रोंग, और ये
ये भी क्या है, प्रेबल है, यानी कि ये भी स्ट्रोंग है। ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। अब देखिए अपन ने यहाँ पे नीचे यही तो पढ़ा कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एसिड एंड बेस साथ में रिएक्ट करेंगे, एसिड एंड बेस साथ में रिएक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है, यहाँ पे क्लोराइड का हो रहा है, ये इसमें हाइड्रोजन OH, इसमें OH यानी कि बेस का आ रहा है। फॉर्म सोल्ट एंड वॉटर, किसके फॉर्म में होंगे, सोल्ट एंड वॉटर के फॉर्म में होंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे सोल्ट एंड वॉटर में आ गया तो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये कौन सी रिएक्शन है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे जो सोल्ट एंड वॉटर है उनका फॉर्म होता है, बनते हैं वो। सो आगे चलते हैं। अब अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में, महत्वपूर्ण लवण के बारे में, इंपॉर्टेंट सॉल्ट। फर्स्ट लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। अब इसके यूज क्या होते हैं, जो NaCl है इसके यूजेस क्या होते हैं। तो कॉमन साल्ट अपन घरों में यूज करते हैं नॉर्मली, अगर कॉमन साल्ट घरों में यूज करते हैं तो एक सिंपल सा यूज तो इसका ऐसे ही देखने के लिए बन जाता है कि ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के काम में आता है, टेस्ट को फूड में क्या करता है, इंक्रीज करता है, खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। अब जो खाना खराब होता है, अगर उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो वो खाना आसानी से खराब नहीं होगा, यानी कि खाने को खराब होने से बचाने के लिए भी किसका यूज में आता है, NaCl यूज में आता है, कॉमन साल्ट यूज में आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। खाने को खराब होने से बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताऊं तो अचार, पिक्सल, आपने देखा होगा कि जो अचार होता है उसके अंदर जो नमक की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और उसको हम सालों यूज में लेते हैं, यानी साल भर अचार को हम यूज में ले सकते हैं और वो खराब भी नहीं होता। किसकी वजह से, इसी सोडियम क्लोराइड की वजह से, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। सो आगे और देखते हैं, मत्स्य पालन में मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए, मत्स्य पालन में मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए भी किसका यूज होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट का। मत्स्य पालन में
मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट यूज लिखा खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, सेकंड लिखा खाने को खराब होने से बचाने के लिए, जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन में क्या लिया अचार, मत्स्य पालन में मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए यानी कि एक्वा कल्चर। तो अपन ने ये किसके यूजेस पढ़े, NaCl सोडियम क्लोराइड के यूजेस पढ़े। आगे इसी तरीके से और भी बहुत लवण है जिसके अपन को यूजेस जानने हैं, जैसे सेडिकिन क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका कॉमन नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। इसके यूजेस, इसके यूजेस के बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।